हेलो भाई, मैं मुनवर आज दिखाने वाला हूँ आपको इंडिया की लास्ट फॉक्सवैगन वेंटो। मेरा मतलब ये है भाई कि अब फॉक्सवैगन ने इंडिया से ऑफिशियली अपनी वेंट और पोलो को डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी कि अब आप उनको चाहकर भी नहीं खरीद सकते हो नई नवेलियों को। भाई फॉक्सवैगन की वेंटो और पोलो ना इतने टाइम से सेम जैसे पोलो की बात लगा लो 2011-12 से सेम टू सेम वही बिकती आ रही थी। ना उसमें कुछ चेंजेस कर रहे थे, ना कुछ, कभी लाइट बदल देते थे, टेल लाइट बदल देते थे। जहाँ इंटरनेशनल कंट्रीज में सर जनरेशन चेंज हो चुके थे, इंडिया में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वो फॉक्सवैगन ने सोचा फाइनली 2022 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए और अब इनकी वाइटस VIITUS जो नई सेडान है उन्होंने इनको लॉन्च करा था। इंडिया 2.0 जो इनका प्रोग्राम चल रहा है फॉक्सवैगन ग्रुप का, जहाँ पे इन्होंने पहले टाइगून लॉन्च करी, उसके बाद अब वाइटस आने वाली है तो वो उसको वेंटो को रिप्लेस कर देगी जो इनकी वाइटस है। लेकिन इस गाड़ी में बहुत प्यारे प्यारे फीचर्स मिल जाते हैं भाई। ये 2022 की लास्ट मॉडल है, अब ये बिल्कुल भी नहीं बनती है और ना इसको बेचा जाता है। और भाई कितने बेहतरीन फीचर्स के अंदर मिल जाते हैं। और कीमत मेन मैं बात बता देता हूँ, कीमत इस गाड़ी की मात्र 11 लाख रुपए थी और 11 लाख रुपए में ऐसी परफॉर्मेंस भाई TSI इंजन के साथ मेरे ख्याल से कोई सेडान आपको दे पाएगी विद ऐसे फीचर्स। अच्छा, लोग इसको क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि एक तो इनकी मेंटेनेंस, जो ये वाली इवेंटो है, जो पोलो वगैरह, इनकी मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है भाई। चाहे लोग कुछ भी कहें कि इतने में हो जाती है, 15,000 पे होती है, लेकिन एक बार कोई पार्ट ख़राब हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी वो होते हैं, क्योंकि जर्मन है, इनकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है हर चीज़ की अगर आप बात करते हो तो। चलो इसके बारे में बात करते हैं भाई, क्या क्या है और क्यों इंडियंस इसको मिस करने वाले हैं, खास करके फॉक्सवैगन के फैंस। तो सबसे पहले तो अलॉय व्हील्स देखिए भाई, कितने प्यारे लगते हैं इसके। फॉक्सवैगन की मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ना फीचर्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान वगैरह देते नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइट्स में आप देखोगे पूरा हेलोजन सेटअप मिलता है, ये भी हेलोजन, लेकिन इनकी लाइट्स एकदम डिफरेंट आती हैं। तो थ्रो वगैरह भी ठीक है, लेकिन हेलोजन है तो आप समझ सकते हो हेलोजन भाई हेलोजन ही रहते हैं। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं और ये भी हेलोजन आपको मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने नया सा ब्लैक सी स्कर्टिंग सी ऐड कर दी थी इसमें। यहाँ पे फॉक्सवैगन का लोगो आता है, इनकी हनीकॉम पैटर्न टाइप कुछ ऐसी ग्रिल आती है। पोलो भी सेम सी नजर आती है, पोलो वेंटो का भी ऐसे ही साफ था जैसे स्विफ्ट और डिजायर का था ना, मतलब स्विफ्ट अलग एक हैचबैक हो गई, डिजायर एक सेडान टाइप हो गई, तो ये भी पोलो ही है, बस इसमें बूट ऐड कर दिया, ये वेंटो बन गई। वैसे सेडान के ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है भाई, आपको 168mm के लगभग ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं तो भाई ऐसे एरिया में इसको लेके आ गया, कहीं पे टच होती नहीं है। व्हील्स की अगर आप बात करते हो तो अलॉय व्हील्स तो भाई आज भी बहुत प्यारे लगते हैं इस गाड़ी के, हालांकि आपको मिलते 15 इंचेस की है, 185/60R15 पूरी प्रोफाइल है और इस तरीके की आपको आगे डिस्प्ले मिल रही है। और यहाँ पे नेट वगैरह देखोगे आप, ये भी आपको थोड़े अलग टाइप के मिल जाते हैं इस फॉक्सवैगन की वेंटो में। MRF के टायर हैं, पीछे कर्व अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं और वही 15 इंचेस का अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो डोर हैंडल देखोगे इनके थोड़े अलग अलग से, छोटे छोटे से डोर हैंडल्स आते हैं। पीछे की बात करते हैं तो वेंटो लिखा गया है, फॉक्सवैगन है, TSI की बैजिंग है। और अगर आप चाबी की बात करोगे तो भाई मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ, चाबी मेरे को यहाँ से याद आ गई। इसमें देखिए यहाँ पे अनलॉक करने के लिए ये भी दी गई है, हालांकि आप इसका बूट से भी अनलॉक कर सकते हो, जैसे मैं इसको दबा के रखूंगा तो अनलॉक हो गई। अब आप देखिए इसका अच्छा बड़ा बूट स्पेस, इसको बंद करते हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक ये दो बटन आते हैं, फ्लिप की इसके अंदर आती है इस तरीके की। और यहाँ पे 4 बस पाकी सेंसर आपको मिलते हैं, कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। और मैं बता दूं ये टॉप ब्रांड है हाईलैंड, यहाँ पे इसकी टेल लाइट मिलती है जो कि पूरा सेटअप हेलोजन का है। फीचर्स के ऊपर इनका पोलो वेंटो में कोई खास ध्यान रहता नहीं था भाई, मैं बार बार आपके बात बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप ग्लासेस देखोगे तो टिंटेड ग्लासेस आपको मिलते हैं जो हरे हरे शेड जिनमें से आती है, मतलब धूप कम से कम एंटर हो पाती है इनमें, वो वाला सीन है। अभी देखोगे कोई कैमरा वगैरह ही नहीं है भाई, बताओ टॉप ब्रांड में कोई कैमरा आपको नहीं मिलता है देखने के लिए। अच्छा, अंदर की तरफ चलते हैं भाई, यहाँ से हम इसको अनलॉक करेंगे। और ORVM भी देखोगे तो काफ़ी छोटे छोटे से ORVM आपको मिलते हैं। ये देखिए भाई इसका इंटीरियर, ये 2022 की गाड़ी, मैं आपको बता देता हूँ ये 2022 है। और आप यहाँ की बात करोगे तो देखो भाई यहाँ पे जूतों के निशान पड़ रखे हैं। वो जूतों के निशान क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लोग अक्सर इसमें यहाँ पे खड़े हो के दिखाते हैं, जैसे मैं भी आपको खड़े होकर दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉटल होल्डर में मैं देखो भाई, ये इतनी तगड़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी बनाते हैं ना कि कुछ नहीं होता इस गाड़ी को, कुछ भी नहीं। मतलब जब पोलो आई थी 2010-11 में, सेल्समैन खड़े हो के दिखाए करते थे कस्टमर्स को कि भाई हमारी गाड़ी कितनी सेफ है, वो आगे कितनी हाई हैवी गाड़ी के साथ आती है। मेरे अभी 85-90 किलो वजन होगा, लेकिन भाई फिर भी गाड़ी मजाल है, टूट जाए। जहाँ पे आप बात करते हो मारुति गाड़ियों की, वो तो हाथ से ऐसे टूटने को हो जाते हैं। यहाँ मैं पूरा पूरा अपना वजन खड़ा हो गया लेके, एक बार मैं आपको दूसरी साइड भी करके दिखाता हूँ, लेकिन गाड़ी में फिर भी कुछ भी नहीं होता है। डेट्स योर फॉक्सवैगन, तो ये पहले बहुत तगड़ी गाड़ी बनाया करते थे, आज भी जो टाइगून आ रही है ना उसमें भी भाई कॉस्ट कटिंग करने लग गए हैं, अब वो ओरिजिनल फॉक्सवैगन नहीं बची है। तो ये देखिए, ये देखो भाई पूरा इस पे बोझ लेके खड़ा हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है गाड़ी को कुछ हो जाए तो, ये बढ़िया बात है भाई। इसलिए फॉक्सवैगन बिकती थी, और जो चलाने में इस गाड़ी को मज़ा है वो अनमैचेबल है, अनमैचेबल। देखो लेदर की आपको सीट्स मिल रही हैं, इस तरीके की वेंटिलेट सीट्स तो नहीं है, बस ये ऐसे ही हैं, पूरी यहाँ पे लेदर का डुअल टोन इंटीरियर आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसकी चाबी को लगाते हैं फिलिप की जो इसके अंदर आती है, मैं बता रहा हूँ देखो कोई पुश स्टार्ट बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ऑन कर देता हूँ,
ये स्टार्ट हो गई, ये 1.0 लीटर वाली है। एक इंजन ऑप्शन इसके अंदर आता था, मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ जरा बाहर का, आप देखना यहाँ पे आपको वो सब पता चल जाता है। 43 डिग्री सेल्सियस है भाई बाहर का टेम्परेचर, आप आईडी लगा सकते हो। अब इसका एसी की जल्दी ठंडी कर देता है वो देखते हैं। अब भाई इसकी एक चीज आप नोटिस करो, जो 2011-12 में इसका इंटीरियर दिखता था ना पोलो वगैरह का, आज 2022 में भी सेम इंटीरियर है, कुछ बदलाव नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर आप प्लास्टिक वगैरह की बात करते हो ना तो फील होती है कोई भारी सी मजबूत सी गाड़ी में आप बैठे हो। ये देखना कितना बड़ा इसका भाई ग्लव बॉक्स है, मतलब हद है यार, इतना बड़ा ग्लव बॉक्स है इसके अंदर, पूरा मस्त एकदम, आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो। मोटर होल्डर आपको मिल रहे हैं, प्लस यहाँ की जो क्वालिटी है वो भी एकदम टॉप नॉच है। चारों पावर विंडो, और चारों की चारों इसकी पावर विंडोज जो हैं वो ऑटो डाउन के साथ आती हैं। देखो इसको मैं दबा दूंगा एक बार और ये सबरी ऑटो डाउन हो जाएगी, लेकिन होती आधी है भाई। देखो ये करी मैंने बटन दबा दिया, ये देखो यहीं पर रुक जाती है, इसके नीचे जा भी नहीं रही है। टिंटेड ग्लास आपको मिल रहे हैं, तो चारों आपको ऑटो डाउन वाली विंडो मिल रही है। कौन सी गाड़ी में आती है भाई, यहाँ से लोकल लोग आप कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके ORVMs हैं उनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये फोल्ड वाले ऑप्शन के साथ भी आती हैं। ये वाला आपको नॉब थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है ये। देखो आपको ये वाला ऐसे ऊपर करना पड़ेगा तब जाके होते हैं, ये वाला जो सिस्टम है इसको आप ऐसे कर दोगे तो अब एडजस्ट हो जाएगा और अब अनफोल्ड होते हैं। यहाँ से आप इनकी लाइट जला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनके वाइपर के कंट्रोल, और आपको अगर इंडिकेटर वगैरह देना है तो उसके कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, और क्रूज कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिलता है। यहाँ की अगर बात करते हो तो यहाँ के कंट्रोल आपको मिलते हैं ऊपर नीचे करने के, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिलते हैं इसके लिए। यहाँ की अगर बात करते हो तो नॉर्मल से एनालॉग आपको मिलता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो केवल आपको पता चलती है, ऐसा कुछ मॉडर्न आपको ऐसा डिजिटल कुछ भी नहीं दे रखा है। कितनी चल गई गाड़ी, कितना फ्यूल वगैरह है, कितनी माइलेज दे रही है, वो सब आपको यहाँ पे बताता है। ट्रिप भी, और आपको डिजिटल स्पीड भी आपको पता चलती है। यहाँ पे इसका आता है बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जहाँ पे अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो आपको ओक्स भी आज के 2022 के जमाने में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप वो बड़ा सा एक कार्ड सा आता है वो लगा सकते हो, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट लगा सकते हो। आजकल गाड़ियों में यहाँ पे नीचे की तरफ यूएसबी पोर्ट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आगे दे रखा है, अगर आप कुछ केबल भी लगाते हो तो वो विजिबल रहती है। यहाँ पे हजार लाइट्स ऑन कर सकते हैं, फ्रंट डिफोगर चलाने का ऑप्शन है, एसी वेंट्स वगैरह इसके आते हैं, यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल है और ऑटो एसी आता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, तो यहीं पे यूएसबी पोर्ट देते तो सही रहता। यहाँ पे तो भाई थोड़ा ओल्ड हो गया यार फोक्स वाले, समझा करो भाई। आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ के भाई इसकी हैंड ब्रेक और ये इसका आर्म रेस्ट आप काफी तरीकों से एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे रोक सकते हो इसको, देखो अब नीचे नहीं जा रहा, चाहो तो आप यहाँ पे थोड़ा और ऊपर करके करोगे तो यहाँ पे भी आप रोक सकते हो। इसको भी आप कैसे भी अपने हिसाब से, जैसी आपकी हाइट वाइट है उसके हिसाब से कर सकते हो एडजस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसका मिलता है अपना IRM जो कि इलेक्ट्रोक्रोमिक है, पीछे वाली लाइट को अपने आप आराम से रात को ग्रीन कर देता है। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी लाइट्स, और ये थोड़े से लाइट के कंट्रोल से पुराने जमाने वाले ही हैं। यहाँ पे आप हैलोजन लाइट इसकी जला सकते हो, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलता है। यहाँ की अगर बात करते हैं यहाँ पे एक मिरर जब उसे मिल जाता है, और छत इसकी आप देखोगे 20 कलर की आती है, और गाड़ी डुअल टोन इंटीरियर में तो काफी सही लगती है। अच्छा पीछे एक साइड लेके चलता हूँ मैं आपको, पीछे एक साइड आपको कैसे हिसाब मिलता है। यहाँ से अपना बूट रिलीज भी आप कर सकते हो, यहाँ पे स्पीकर इसके अंदर आते हैं, और ये सिल्वर कलर की गाड़ी, तो स्पेस वगैरह आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। देखिए स्पेस वगैरह ठीक है, बस ऐसा कोई ज्यादा भी नहीं कह सकते। बीच में एक बड़ा सा हम्प मिलता है, तो केवल 4 लोग इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पीछे एक एसी वेंट भी दिया जाता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, और ऐसी नजर आते हैं फोक्स वैगन की वेंटो। और यहाँ पे देखो भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से केवल ये पिछले वाला सीधा बहुत ही आधा खुलता है, आधा ही खुलेगा, और फिर इसको ऊपर मतलब इससे नीचे आप इसको खोल ही नहीं सकते। बस यहाँ पे कुछ आप सामान अपना हैंग कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे देखो एक कप होल्डर सा भी दे रखा है। इसके अंदर एक बोस मोड वाला फीचर भी आता है, जिससे मतलब सीट को हम आगे पीछे यहीं से कर सकते हैं, बैठे बैठे आगे पीछे जैसे आपको करना हो ये भी आप कर सकते हो। बस इसकी जो लाइट्स है ना ये भी देखो ओल्ड जमाने के से, ये आपको ऐसे स्विच से इधर उधर करना पड़ता है तब जाके आपका ऑपरेट होता है। तो आजकल तो बटन वाला सिस्टम आने लग गया, लेकिन इसमें भी आपको ये नॉब है जो घुमानी पड़ती है, पर ये इतना मैटर नहीं करता है। और एक बार चीज बता दूं भाई, डोर्स वगैरह पे आपको कहीं भी लेदर नहीं मिलेगा, पूरा आपको प्लास्टिक का ही मिलता है, बस ये कलर डिफरेंट है, पूरा प्लास्टिक है। यहाँ पे पीछे की तरफ एक आर्मरेस्ट भी आपको मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा है भाई ये, तो यहाँ पे कोई भी कप होल्डर वगैरह आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नेक रेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको दी गई है। अगर आप यहाँ की बात करते हो तो जो थर्ड साउंड इनकी आ रही है, देखो भाई पता चलता है कि हाँ ये देखो भाई साहब कितनी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं भाई ये स्टार पे भरोसा नहीं करते, स्टार वगैरह लगवा के और अपनी गाड़ी ऐसे स्टारों के थ्रू बेचें। सबको पता होता है फॉक्स वैगन वालों को, सबको पता होता है कि भाई कैसी इनकी बिल्ड क्वालिटी है और क्या ये चीज़ बनाते हैं। इनको अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा बिलीव है, ये फिर अपना रेटिंग वेटिंग से। अच्छा मैं यहाँ पे आपको इंजन इसका खोल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखोगे सीट को आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। इसका जो मेन USP आते हैं ना इस गाड़ी के, तो आपने फीचर्स देखा, कुछ ऐसा खास आपको कुछ भी नहीं मिलता है फीचर, बिल्ड क्वालिटी वगैरह एक चीज़ होगी, लेकिन लोग आज की तारीख में अदरवाइज में फीचर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये चीज़ है ना, जो ये इंजन इसके अंदर आता है 1 लीटर का TSI इंजन, आपको 105 बेसिक लकड़ी निकाल के देता है, 175 Nm का टॉर्क,
इतना प्यारा भागता है ना, पंजा दबाया और आपने शूं करके निकलता है भाई। लेकिन वही है, माइलेज है कुछ भी नहीं देता है। फिर अगर आप शूं करके चलाओगे 7-8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज पे रह जाता है। वही है, थोड़ा माइलेज का इशू भी रहता है फोक्सवैगन की गाड़ियों के साथ, और थोड़ी सी जो मेंटेनेंस है ना वो भी हायर साइड पे जाती है, इसीलिए लोग थोड़ा सा इसको लेने से कतराते थे। तो इसीलिए भाई उन्होंने भी क्या सोचा फोक्सवैगन वालों ने कि छोड़ो, हम भी बिल्ड क्वालिटी वगैरह घटा के अब जो इंडिया वाले चाहते हैं माइलेज और अपने फीचर्स वो सब देंगे। तो उसमें आपको वो टाइगून वाइगून जो है वो उसमें वो चीज़ दिखती भी है कि कितनी घोस्ट कटिंग उन गाड़ियों में है, प्लस वो रियल फोक्सवैगन कितनी है और कितनी नहीं है। थोड़े चला के देखते हैं भाई इस गाड़ी को और आपको बताता हूँ भाई कितनी स्वादिष्ट है गाड़ी चलने में। देखना आप देखना भाई, 2000 RPM के नीचे तो शांत रहती है, और जैसे ही 2000 RPM क्रॉस करेगी ना, ये देख रहे हो आप, लग रहा है ना आपको आइडिया सुई कैसी चढ़ती है। ये मजा है इस गाड़ी का भाई, बस और तो क्या, मतलब ऐसे भागती है ना, और जर्म मतलब हैंडलिंग वेल्डिंग इतनी जबरदस्त है ना, मजा आता है भाई कार ड्राइव करने में। और ये भी आपको मतलब चारों ओर टॉप डाउन मिल रहे हैं, तो ये भी बड़ी मस्त फील होते हैं। अच्छी इसमें हवा आ रही थी इसलिए मेरे को पता चला। एक और खास चीज मैं आपको दिखाता हूँ इस फोक्सवैगन वेंटो के बारे में। देखो नॉर्मल गाड़ियों में क्या होता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, आपने हजार लाइट ऑन कर रखी है, हजार लाइट आपकी ऑन है। अभी जब आप इंडिकेटर देते हो ना, तो हजार लाइट आपकी, जैसे कई बार हम क्या रहते, जैसे रोड साइड खड़े हो गए, पार्किंग लाइट हमने ऑन कर ली, फिर हम ऐसे इंडिकेटर दे देते हैं कि भाई हमने को इधर साइड निकलना है, और वो जलते रहते हो, दोनों साइड जलते रहते हो, तो इंडिकेटर चलता ही नहीं है। इसमें देखो भाई, जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया तो हजार लाइट अपने आप ऑफ हो गई। जैसे मैं आपको नॉर्मल फिर से करके दिखाता हूँ अभी देखो, और जैसे ही बंद किया तो हजार लाइट फिर ऑन हो गई। चलो मेन चला के देखते हैं भाई इस गाड़ी को। अब देखना आप, इसमें 0-100 कितनी जल्दी पहुंच जाती है। तो 0-100 करेंगे इसमें, 4000 तक जाता है, तो फटाफट लेट्स गो। ये देखो भाई कितनी क्या भागती है यार ये दूसरे गियर पे 100 टच कर जाती है भाई, 6500 RPM तक आराम से खींचती है, और फिर उसके बाद आपकी तीसरे गियर पे 140 तक पार जाती है, रोड एकदम खाली है अपने। ओ भाई 150 चढ़ जाती है, तो 150 पे रह जाती है, तीसरा गियर लगा हुआ है, चौथा लगाऊंगा तो और आगे चली जाएगी। और ब्रेक देखना भाई, ब्रेक्स में भी पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आदमी को कि हाँ रुक जाएगी गाड़ी। यार बढ़िया गाड़ी बनाते हैं फोक्सवैगन, बस यही है, वी विल मिस इट। जिनको फोक्सवैगन से प्यार है उनको तो जरूर याद आएगी इस गाड़ी की कि हाँ एक बढ़िया गाड़ी आया करती थी। ये फोर्ड भी सारी चली गई, वेंटो भी चली गई, बढ़िया गाड़ियों की कदर ही नहीं है, सारी भाग जाती हैं। लोगों को चाहिए माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, फीचर्स जो ये गाड़ियाँ नहीं दे पाती, क्वालिटी पर थोड़ा बिलीव रखती हैं, फिर वो इंडिया से बाहर बोलते कि भाई रहने दो हम बाहर भेज लेंगे। क्योंकि बाहर तो भाई बहुत कदर है इन गाड़ियों की, बाहर तो फोक्सवैगन तगड़ी बिकती हैं। पर चलो कोई नहीं भाई, ये ऐसा तो है नहीं भाई चले गए फोक्सवैगन ग्रुप चला गया, ऐसा नहीं है। अब वाइटस इनकी नहीं आ रही, लेकिन वो वही है कि यार वो महंगी वाली गाड़ी होगी, स्लाविया की कंपेरिजन की होगी, मतलब स्लाविया और वो एक ही गाड़ी है, उसी प्लेटफॉर्म पे उसको बनाया गया है जिसपे टाइगून अपना कुशैक वगैरह आती है। तो यही थी भाई वेंटो आपकी, कैसी लगी आपको ये गाड़ी, इसके फीचर्स और आपके क्या विचार हैं ये जो गाड़ी चली गई, इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो देखने आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।